प्यारे बच्चों, कक्षा 11 के हिंदी विषय में आज इस वीडियो में आप बिहारी लाल जी द्वारा रचित भक्ति और संगार नामक पाठ के अगले दोहों का अध्ययन करेंगे। देखिए, कर मुदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्यो पाई, पीठ दिए निधरक लखे इकटक ढीठ लगाए। मीनिंग देख लीजिए, कर माने हाथ, मुदरी माने अंगूठी, आरसी दर्पण, आरसी माने दर्पण, अप्यो माने प्रिय, निधरक माने निह संकोच, लखय माने देख रही है, इकटक अपलक दृष्टि से, और ढीठ लगाए दृष्टि लगाकर। देखिए, नायिका नायक की ओर पीठ किए बैठी है, किंतु अपनी अंगूठी के दर्पण में अपने प्रिय के प्रतिबिंब को अपलक देख रही। कोई अन्य स्त्री उसकी इस चतुराई का वर्णन किसी दूसरी सखी से कर रही, कोई अन्य स्त्री उसकी इस चतुराई का वर्णन किसी दूसरी सखी से कह रही है। देखिए, कर मुदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्यो पाई, पीठ दिए निधरक लख है इकटक ढीठ लगाए। वह नायिका अपने हाथ की अंगूठी में लगे हुए रत्न था दर्पण में, वह नायिका अपने हाथ की अंगूठी में लगे हुए दर्पण में अपने प्रिय के पड़ने वाले प्रतिबिंब को देख रही है, अपने प्रिय के पड़ने वाले प्रतिबिंब को देख रही है। नायक की ओर पीठ होने के कारण उसका यह प्रेम व्यवहार निःसंकोच भाव से और अपलक दृष्टि से चल रहा है। नायक की ओर पीठ होने के कारण उसका यह प्रेम व्यापार निःसंकोच भाव से और अपलक दृष्टि से चल रहा है, अर्थात दर्पण में वह अपने प्रिय को निःसंकोच भाव से देख रही है, अर्थात दर्पण में वह अपने प्रिय को निःसंकोच भाव से देख रही है। अगला दोहा देखिए, खेलन सिखिए अली भले, चतुर अहेरी मार, कानन चारी नयन मृग, नागर नरनु शिकार। इसमें मीनिंग देख लीजिए, अली माने सखी, अहेरी माने शिकारी, मार माने कामदेव, अब कानन चारी कानों तक विचरण करने वाले अर्थात दी बड़े बड़े नेत्र, नयन मृग नयन रूपी हीरा, नागर माने नागर के दो अर्थ होते हैं, एक नागर माने चतुर और दूसरे नागर माने नगर में रहने वाले। देखिए, खेलन सिखिए अली भले, अहिर चतुर अहेरी मार, कानन चारी नयन मृग, नागर नरन शिकार। सखी नायिका से कहती है, सखी नायिका से कहती है कि हे सखी कामदेव रूपी चतुर शिकारी ने, हे सखी कामदेव रूपी चतुर शिकारी ने, कानों तक विचरण करने वाले तुम्हारे इन नेत्र रूपी हिरण को नगर में रहने वाले चतुर लोगों का शिकार करना अच्छी तरह सिखा दिया है। फिर से देखिए, सखी नायिका से कहती है कि हे सखी कामदेव रूपी चतुर शिकारी ने, कानन तक विचरण करने वाले अर्थात नेत्र तुम्हारे इन नेत्र रूपी हिरण को नगर में रहने वाले चतुर लोगों का शिकार करना अच्छी तरह सिखा दिया। अब देखिए, यहां पर दूसरा अर्थ भी निकलता है, शिकारी हिरण का शिकार करता है, शिकारी हिरण का शिकार करता है, परंतु यहां नेत्र रूपी हिरण नगर निवासी चतुर लोगों का शिकार कर रहे हैं, परंतु यहां नेत्र रूपी हिरण नगर निवासी चतुर लोगों का शिकार कर रहे हैं, अर्थात नायिका के नेत्र जो कानों तक फैले हुए हैं, अर्थात नायिका के नेत्र जो कानों तक फैले हुए हैं मृग जैसे चंचल है, हिरण जैसे चंचल हैं। नायिका अपने नेत्रों से जिस भी चतुर पुरुष की ओर देख लेती है, नायिका अपने
नेत्रों से जिस भी चतुर पुरुष की ओर देख लेती है वह आकर्षित हो जाता है, वह आकर्षित हो जाता है। यह सब कामदेव का प्रभाव है, यह सब कामदेव का प्रभाव है। अगला दोहा देखिए, ललन सलोने अरु रहे अति स्नेह सौपाग, तनक कचाई देत दुख सूरन हौ सूरन लव मुख लाग। इसमें मीनिंग देखिए, सलोने माने सुंदर, स्नेह माने प्रेम, कचाई माने कच्चा, और सूरन माने होता है जिमीकन। देखिए बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे लालन, बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे लालन, यद्यपि आप सलोने अर्थात सुंदर लवणयुक्त और स्नेह, यद्यपि आप सलोने और स्नेह से भरी भली भांति पगे हुए हैं, यद्यपि आप सलोने और प्रेम से भली भांति पगे हुए हैं, फिर भी तनिक कचाई के कारण मुंह लगाकर, फिर भी तनिक कचाई के कारण मुंह लगाकर जिमीकंद की भांति दुख देते हैं, जिमीकंद की भांति दुख देते हैं। अर्थात जिस प्रकार जिमीकंद में नमक और तेल पगे होने के बावजूद भी, अर्थात जिस प्रकार जिमीकंद में नमक और तेल पगे होने के बावजूद भी यदि कुछ कच्चाई रह जाती है, यदि कुछ कच्चाई रह जाती है तो मुंह लगते ही कष्ट पहुंचता है, तो मुंह लगते ही कष्ट पहुंचता है। उसी प्रकार नायक में सलोनापन और स्नेह होने पर भी मुंह लगने की आदत है, उसी प्रकार नायक में सलोनापन और स्नेह होने पर भी मुंह लगने की आदत है, जो नायिका को कष्ट पहुंचा देती है, जो नायिका को कष्ट पहुंचा देती है। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 11 के लिए आज यही 3 दोहे। सभी बच्चे यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और विद्यालय के चैनल को सब्सक्राइब करें।